हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डिव एंड सेक्शन टैग। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे tutorial17.html, ओके। और इस फाइल में html का बेसिक कोड लिख लेंगे। यहाँ पे डिव एंड सेक्शन टैग सीखने वाले हैं, राइट। तो सेक्शन टैग्स हो गया, फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S और यहाँ पे ओपन कर लेंगे फाइल को। तो यहाँ पे 17 वाली फाइल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं डिव एंड सेक्शन टैग। तो देखिए, डिव एंड सेक्शन में जो है स्लाइटली डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस क्या होता है कि जो डिव टैग होता है ना, वो एक जेनरिक कंटेनर की तरह कंसीडर किया जाता है। जेनरिक कंटेनर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, ग्रुप कर सकता है, ठीक है, उनको रैप करता है, ठीक है। बस इसका यही मतलब होता है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है डिव का कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं इसको। जस्ट अ सिंपल, इसको रैप करने के लिए, कंटेंट को रैप करने के लिए हम डिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन होता है, सेक्शन का एक ये एक सेमेंटिक टैग है। सेमेंटिक का मतलब ये हो गया कि इसका एक कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जहाँ पे भी यूज किया जाएगा ना, उस वो एक मीनिंग के साथ यूज किया जाएगा कि हम जैसे मान लीजिए एक फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो फॉर्म के लिए हम सेक्शन यूज बना सकते हैं, टेबल के लिए सेक्शन बना सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल के लिए सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्शंस का यूज़ करते हैं। तो दोनों को हम देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिव को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डिव का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें क्या बनाना है, कुछ भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेडिंग टैग लिख लिया, ठीक है, हेडिंग लिख लिया। और हेडिंग में क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि लिख लिया हेडिंग टैग, ठीक है, हेडिंग टैग, ठीक है। अब और इसके बाद अगर पैराग्राफ भी हमने क्या किया, पैराग्राफ लिख लिया। तो यहाँ पे लॉरम का 10 वर्ड्स का जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हेडिंग को रैप कर लिया, पैराग्राफ को रैप कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या बनाना, कोई लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे लिस्ट भी हम बना लेते हैं, लिस्ट आइटम 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया, देख रहे हो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, ग्रुप बना रहा है, ठीक है। ये हमने एक ग्रुप बना लिया, फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये एक अपना ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोई दूसरा ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिव दूसरा ले लेंगे। और अब इसमें जैसे कि हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म बना लेते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे फॉर्म को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो में हम एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म बना लिया और इसमें एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं कुछ, ठीक है, और इसको कॉपी करके 2-3 बना लेते हैं, ओके। तो ये क्या किया, हमने फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब दूसरा कोई अगर हेडिंग लिखना चाहे, हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पे, हेडिंग टैग, ठीक है, हेडिंग हो गया। यहाँ पे अगर एंकर टैग लिखना चाहे तो एंकर भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिंक, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, देखो ये एक ग्रुप बन गया, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये एक ग्रुप बना लिया हमने, एक फॉर्म का, हेडिंग का, लिंक का, और ये एक अपना ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो डिव का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये ग्रुप करने के लिए कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन का, सेक्शन का क्या यहाँ यूज होता है। तो देखिए, अगर सेक्शन बनाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे एक हम ग्रुप बनाते हैं, डिव ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। तो सेक्शन कैसे, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन टैग ले लेते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, हमने फॉर्म बना लिया, ठीक है, और इनपुट एक्चुअली यहीं से हम कॉपी कर लेते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो ये हमने क्या किया, फॉर्म बना लिया। तो ये एक फॉर्म, अब ये सेक्शन का क्या मतलब है, ये सेक्शन का मतलब ये हो गया कि ये एक फॉर्म का सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें फॉर्म से रिलेटेड हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस, यहाँ पे लिख सकते दिस इज अ फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या किया, हेडिंग लिख लिया और या फॉर्म। तो इस सेक्शन में हमने फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। अब फॉर्म को अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारा ब्राउजर जो है हमारे आर्किटेक्चर को समझ पाता है वेबसाइट के, और दूसरा यहाँ पे हमारा वेबसाइट जो है अच्छा, उसका आर्किटेक्चर अच्छा बनता है, तो क्लियरली हमारा कोड रहता है वहाँ पे, क्लियर समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हो गया। अगर हम कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो लिस्ट के लिए अलग सेक्शन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेक्शन बनाया और इसमें हमने क्या किया, एक लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से,
ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली। यहाँ पे भी हम हेडिंग डाल के कुछ भी, अब लिस्ट से रिलेटेड कुछ भी हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ले दिस इज अ सिंपल लिस्ट, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये जो जितने भी ये हमारे जो डिव होता है, सेक्शन होता है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक लेवल जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि ब्लॉक लेवल क्या होते हैं, इनमें हम विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो इनकी विड्थ जो होती है वो अपने पेरेंट की 100% ले लेते हैं। जैसे कि ये डिव जो है ये और सेक्शन, ये पूरी विड्थ ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करते हैं डिव एंड सेक्शन टैग। तो आई होप ये दोनों टैग जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।